नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। दोस्तों, जैसे ही मैं टॉपिक बोलूंगा आप लोग बोलेंगे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है यार, हमें पता है इसके बारे में, ये होता क्या है, क्या नहीं होता, कैसे होता है, क्या नहीं होता। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि जीएसटी कैसे लिया जाता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया हो दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद उसको पता भी नहीं होगा कि जीएसटी होता क्या है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे लेकिन इस कन्फ्यूजन में होंगे कि वो जीएसटी नंबर लेके स्टार्ट करें या विदाउट जीएसटी स्टार्ट करें। तो इसी सब पहलुओं में हम बात करेंगे डिटेल के ऊपर कि जीएसटी किस बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कब आपको लेना चाहिए, कब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर कब अभी स्टेज, क्या अभी आपको इनिशियल स्टेज पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बस तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रमोशन होगा चैनल का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। ये सब बोलने की मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हो चुका था। जब ये आया था तो बहुत सारी हाइपा मची थी कि बिजनेस कैसे होगा, क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल कर दिया इन चीज़ों को लेके। और जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन थे जो समझ में नहीं आ रहा था, तो उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन जब समझ में आने लगा लोगों को, तब लोगों को समझ में आया कि कितना ईजी है। अब लोगों को अलग अलग टैक्स नहीं भरने पड़ते, अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं लेने पड़ते, सिर्फ एक जीएसटी नंबर लीजिए और आपका सारा काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, बेचता हूँ, तो मुझे उसके लिए ट्रेडिंग का लेना पड़ेगा अलग सर्टिफिकेट। अगर मैं उस चीज़ की सर्विसिंग भी करता हूँ या फिर मैं कोई चीज़ सर्विस करता हूँ, किसी चीज़ को मतलब पहुँचाता हूँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बाइक या फिर मोबाइल सर्विस करता हूँ, तो मुझे उसके अलग चार्जेस देने पड़ते थे, अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। और मैं बनाता हूँ, बेचता हूँ, तो मुझे उसके लिए अलग सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अब सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसका नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है, इसको बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आप ठीक से समझे इसे। तो बात करिए किस बिजनेस के लिए आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप छोटा बिजनेस तो स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई सा सर्विस बिजनेस हो, कोई सा बिजनेस हो, आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल आपकी जो मार्केट है थोड़ी लो लेवल पे है, जहाँ पे आगे जो आपके डीलर्स होंगे या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो आप जीएसटी नंबर नहीं लेंगे, तो आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ही अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें हमेशा जो उनसे पूछते हैं कि जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि अभी फ़िलहाल मत लीजिए इनिशियल स्टेज में, अगर तब लीजिए जहाँ पे आपको इनिशियली ज़रूरत हो। जैसे कि अगर आप अमेजोन के साथ बड़ी बड़ी कंपनी से टाइप करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, तो कंपनी को जीएसटी नंबर देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी कंपनी पूरी सेफ्टी रखती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, तो इस वजह से वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। मीन समझिए, अगर आपके मार्केट लोकल लेवल पे है, अगर आप अपने नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी पूरी छूट मिलती है, और छूट मिलती है 40 लाख पर ईयर। मीन्स अगर आपका जो बिजनेस है 40 लाख पर ईयर का अगर अंदर नहीं आता है, तो आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप विदाउट टैक्स भी काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने सुविधा दी है दोस्तों। अब देखिए, पहले 20 लाख थी, 20 लाख तक की लिमिट थी, अब ये 40 लाख कर दिया गया, पूरा दोगुना कर दिया गया कि, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे है, तो मैं बोलूँगा कि जीएसटी नंबर नहीं लीजिए। अगर आपकी सालाना इनकम 40 लाख के ऊपर है तो लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अगर आपको एस्टेब्लिश बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर प्रोफेशनली दिखाना है, तो आप इस इनिशियल स्टेज में जीएसटी नंबर ले लीजिए। देखिए, ले सकते हैं आप लोग, आपको इससे घाटा नहीं होगा, लेकिन आपका बिना बात का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आप एक जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल फ्री है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो समझ में नहीं आएगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि लोग बहुत ही काम दाम वाला एक काम लगता है, ताम झाम वाला बहुत काम लगता है ये। तो सजेशन यही है दोस्तों, किसी जो टैक्स पेयर है जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर जी आपके आसपास जो सीए होंगे, ऑफिस होंगे, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने एरिया में पूछा था कि जो सीए है वो 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के लेते हैं, वेरी करते हैं अलग अलग। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये गवर्नमेंट ने तो फ्री कर रखा है जीएसटी, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी फीस है, क्योंकि अगर हम जीरो भी लिखेंगे कंप्यूटर पे या फिर वो भी लिखेंगे, तो ये हमें करना पड़ता है, ये हमारी फीस होती है। दोस्तों, अगर आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जीएसटी नंबर लेंगे तो इनिशियली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और जीएसटी के ऐसे अंदर होता है कि आपको क्वार्टरली या फिर हर 3 महीने बाद या 1 महीने बाद वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ता है कि आपको रिटर्न दिखाना पड़ेगा। देखिए, 40 लाख तक तो आपको टैक्स देना नहीं है, ठीक है, लेकिन जीएसटी अगर आपने नंबर ले लिया
तो उसके बाद आपको हर महीने रिटर्न, एक जो शीट होती है जो उसमें जीएसटी रिटर्न जाता है वो आपको भरना पड़ेगा। उसमें आप निल निल भरेंगे, लेकिन निल भरने के लिए भी मिनिमम से कम जो सीए होगा वो आपसे 500 से 1000 1500 रुपये तक भी चार्ज करेगा। मीन्स 1500 रुपये पर मंथ आपको ऊपर हेडेक पड़ जाएगा अगर आपको इनिशियल का 40 लाख का आपका सालाना नहीं है तो। वैसे 1500 रुपये तो कुछ भी नहीं होता देखा जाए तरीके से, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों ये है कि अगर आपने जीएसटी नंबर एक बार अप्लाई कर दिया तो अगले एक साल तक आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने स्टार्ट किया तो बिजनेस, आपने जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया ऑनलाइन कुछ भी कैसे भी अप्लाई कर दिया और आपने सोचा है चलो अगर बिजनेस नहीं चला बंद कर देगा, लेकिन जीएसटी नंबर आप बंद नहीं कर सकते एक साल के अंदर। देख लीजिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन एक साल से पहले आप इसको बंद नहीं कर सकते। एक साल तक आपको जो सीए की फीस है वो पे करनी पड़ेगी और आपको मेल के भी आपको जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ेंगे दोस्तों। दोस्तों आपके ऊपर है कि आपको जीएसटी नंबर इनिशियल में लेना है या नहीं लेना, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि इनिशियल में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो, जैसे कि आप बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फाइनली ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट से मैं ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ नरेंद्र, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, से बात करूँगा किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। तब तक देखते रहे, बोलते जाए, धन्यवाद।